आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। मस्त रहने का एक ही मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः, मतलब ये आगा बढ़न दो। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। टिंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 46 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की सुंदरता पे किया जाता है, कोयले की काली पे नहीं। एक गांवरी छोरी ने कंप्यूटर क्लास में पूछो कि डाटा क्या होता है। छोरी बोली, सो सिंपल, पानी वाली टूटी के आगे जो डुच्चा लगाते हैं उसको डाटा कहते हैं। जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देखते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। ब्राइटनेस बढ़ाओ तो इंग्लैंड के खिलाड़ी गायब, और ब्राइटनेस घटाओ तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी गायब। शुक्र है अच्छा और ईमानदार होने पर कोई टैक्स नहीं है, नहीं तो मैं तो टैक्स दे देना बर्बाद हो जाती। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे और टेडी डे, प्रॉमिस डे और किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, ये सब शादी के पहले के चौंचले है। शादी के बाद तो सिर्फ पंदे, चाय दे, रुमाल दे, कंबल दे, सोने दे और मुझे जीने दे। इंसान को दूरदर्शन की तरह सरल होना चाहिए, कोई लोभ ना मो। उदाहरण आप देख लीजिए, बीजेपी गुजरात में 140 सीटों से जीत रही है और NDTV पे आ रहा था कि कांग्रेस गुजरात में आगे चल रही है, और हमारे डीडी न्यूज पर आइए गोबर से खाना बनाने की भी नहीं समझते है। जी की लोग गया 100 पे मत बैठते, 100 इंच नीचे दस जावे। वेट, स्टेटस मत लिखे, मुझे पलकों पे बिठा ले साजन, ठुल्लू बनना भाई साहब, हकड़ो बुजुर्ग दिखाओ। तो कौन वाला कहे ले, ये लो बनना, पीटर इंग्लैंड की है, बहुत बढ़िया। तो ठुल्लू बनना कहे, रोकड़ा बोल कितना है। दुकानदार के, केवल 25 रुपए। ढुल्लू बनना बोले, भाई थारकन को पीटर भरो दी, पीटर ओसिया, पीटर देचू, पीटर भरो सर, पीटर पोकर, थारकन को 250 रुपए रो बुसट को नहीं। बॉस गन लेन ऑफिस में आयो ना जोर चिल्लायो, किसने मेरी बीबी को किस किया, जान से मार दूंगा। पीछे से आवाज आई, गोली कम पड़ जाएगी मुन्ना। पति के, भगवान के वास्ते अब बताओ हुआ क्या। पत्नी के, वो जो तुम्हारे लैपटॉप में एक फोल्डर है ना, माय डॉक्यूमेंट, तुम उसका नाम और वो डॉक्यूमेंट भी तो रख सकते थे ना। आई हेट यू। पति ने माइक्रोसॉफ्ट को मॉडिफिकेशन के लिए मेल डाल दी। एक नौजवान एक बुजुर्ग साधु ने पूछियो कि बाबा बताइए ना, जब एक दिन लोगों को जाना ही है तो लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं, जब रिश्ते निभाने की बारी आती है तो दोस्ती दुश्मन क्यों निभाते हैं। और बुजुर्ग साधु ने गौर से तीनों सवाल सुने, फिर उसने माचिस की डिब्बी से 3 तीले निकाली, 2 तीले फेंक दी, 1 तीली को आधा तोड़कर ऊपर वाला भाग फेंक दिया, नीचे वाले भाग को नुकीला बनाकर अपने दांत को कुदेर तो बोला, कहा करी भाई। जदर लू गई बाजार में प्यार पूछे कि मेथी 2 किलो ले लू कही, तो समझ लीजिए कि राय मायना नहीं रखे, उन्हें पूछने रो मतलब कही है कि तोड़ने भी तोड़ने जे। गंदो कहवे, मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। तो कुत्तो कहे, तुम भाग क्यों नहीं जाते। तो गंदो कहवे, मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती है कि तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा, कि बस इसी उम्मीद पर टिका हूं। मार साहब कहवे, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। तो रमेश बोले, मार साहब थोड़ा तो सवाल ही गलत है, मोरे अटे तो दूध ने दही में बदलने वाले ने जीवाणु नहीं जावण कहवे। देखो सा, सदा खुश रहो, इन्हीं आशीर्वाद रे वजह कई लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। एक छोरी पोस्ट करी, ऐसा कोई गाना बताओ जिसे सुनकर मुझे नींद आ जाए, और लड़की पोस्ट करके सो गई, और 200 लड़के रात के 3 बजे तक कमेंट में गाने के नाम सुझाते रहे। अभी सोकर उठी हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि पहले बर्तन धोऊं के पति को। कुछ दिन पहले रमेश और एक दोस्त रमेश ने सलाह दी कि लुगई रे, मारू बचनो है तो रोटी मेकर ले ले, ना बेलन रहेगा ना ना पिटाई होगी। थोड़ा दिन पचे रमेश अपने दोस्त ने फोन लगायो कि भाई वॉशिंग मशीन की कंपनी रे ठीक रही। वाइफ विल बी वाइफ। वाइफ कहवे, सुनो जी, मैंने आपके बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए है कि पूछो ही मत। तो हस्बैंड बोले, लव यू जानू, दिखाओ लो। तो वाइफ बोले, हाँ रुको रुको, अभी पहन के आती हूँ। रात रात अणु तो डरावना सपना आयो, कूलर मैंने चल तो दिखियो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी की नफरत और बदला लेने में बर्बाद ना करें, खुद की तरक्की में बिताए। आप इंसान हो, पाकिस्तान नहीं। रात को रमेश के पास सेंटा आया, तो रमेश को बोला, तुम्हारी कोई विश। तो रमेश कहे, मन नई गर्लफ्रेंड दिला दो। तो सेंटा ने उसको बहुत मारा, फिर पता चला कि उसकी बीवी सेंटा बन के आई थी। रमेश की माँ कहे, बेटा सोपो लेटन वास्ते नहीं, बैठन वास्ते हुए। जितन मा रमेश बोलियो, चप्पल भी पहन वास्ते हुए, ठोकन वास्ते को हुए नहीं, अन पाछे बड़ा जूता खावे। अर्ज किया है, रख लो 1000 आईने तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ती है। देखो सा, मैं को राजनीति वाली को नहीं, लेकिन मारो मानना है कि देश में सिर्फ
पार्टी होनी चाहिए। एक शनिवार रात रा दूजी आदित्यवार रात रा। कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं और कुछ धन के नाम पर, कुछ जाति के नाम पे लड़ते हैं, कुछ दबंगई के नाम पर। सिर्फ पति पत्नी है जो निस्वार्थ भाव से बेवजह लड़ते हैं बिना अर्धांगिनी के। जरूरी नहीं कि आप मोदी, अटल, योगी और कलामी बने, पप्पू भी बन सकते हो। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने इशारों में कहा, मुझे एक ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही 2 मिनट में 0 से 80 पहुंच जाए। शाम को ही पति ने उसे वजन काटा लाके दे दिया। घर में युद्ध जैसा माहौल है। व्हाट्सएप आया तो SMS खत्म, यूट्यूब आयो तो वीडियो खत्म, स्काइप आयो तो ISD कॉल खत्म, अमेजोन आया तो बाजारी खरीदारी खत्म, फेसबुक आया तो रियल लाइफ खत्म, सब खास पॉइंट तो हमें है, राहुल और केजरीवाल आया तो संता बनता खत्म। मारे रमेश पड़ोस रे मैंने सत्यनारायण जी कथा हो रही थी, आरती थाली रमेश हमें आई तो मारा रमेश यो 10 रुपया रो फाटोड़ो नोट जेब काढ़ियो और कोई देख नहीं लेवे यू फटाफट देख अने थाली मैंने रख दियो। मारा रमेश ठीक लारे एक छोरी उभी थी वा 2000 रो नोट आगे करियो। रमेश यो उन नोट ने लेन आरती थाली में गाल दियो। मारा रमेश मन में मैं थोड़ी शंका हुई कि मैं तो 10 रुपये गालिया, अरे मानी चाहिए मैंने तो। अन बार निकलते टाइम मारा रमेश छोरी ने राम राम करिया तो छोरी रमेश ने बोली कि 10 रुपये नोट निकालते टाइम था 2000 नोट जे मुटो पड़ गो तो मैं तो वो तो 5 दियो थे आरती थाली में क्या रखियो। हमारा मेज भाई लाई ICU में भर्ती है हमें। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं आप सच्चे दिल से डाइटिंग की नियत बना लो तो सारी कायनात आपको मजेदार खाना ठुसवाने में जुड़ जाती है। एक बार गणित रमाण साहब आप लुगई ने गणित मैंने प्यारा दो शब्द कहे, मारी गुणन खंडरी नार काल जो मत बाल, थने समझू 1000 बार काल जो मती बाल, दशमलव सी आख्या थारी न्यून कौन सा नाक, त्रिभुज जेड़ा नाक नाक नर्तनी ने त्रिज्या जान, पर काल जो मती बाल, वक्र रेखा सी पलका थारी, सरल भिन्न सा दात, सम सष्ट भुज सा मुंडा पे, थारे माख्या की बरात, तुम्हारो काल जो मती बाल, रेखा खंड सरी की टांगा थारी, बेलन जड़ा हाथ, मंजला कोष्टक सा होटा पर टप टप पड़ रही लार, पर तुम्हारो काल जो मती बाल, आयो तो जड़ी पूरी काया थारी, जाने नी हानी लाभ, तू लसप मुंह मसप चुप कर धंधनाप, तुम्हारो काल जो मती बाल, थारा ने मारा गुण ईसिया, न्यू भूटिया मारा भाग, आरोही ने अवरोही हो गया, मुंडा आई गया जाग, तुम्हारो काल जो मती बाल, लफ्जों की दहलीज पर जबान घायल है, गौर फरमाइएगा, लफ्जों की दहलीज पर जबान घायल है, कोई तन्हाई से और कोई महफिल से परेशान है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से भी पूरा नहीं किया जा सकता। समा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने पर भी खुशबू देना नहीं भूलते। देखो सा, खुद की कमाई से कम खर्चो, ऐसी जिंदगी बनाओ, दिन में कम से कम 3 लोगों की प्रशंसा कर लो, खुद की भूल स्वीकार करने में कभी संकोच ना करो, किसी के सपनों पर हंसो मत, आपसे पीछे खड़े व्यक्ति को भी कभी कभी आगे जाने का मौका दो, खूब जरूरी हो तभी कोई चीज उधार लो, कर्ज और शत्रु को कभी बड़ा मत होने दो। राम राम सा, खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आए तो जरूर देख जो, लाइक शेयर जरूर कर जो, कमेंट करना मत भूल जाओ, सब्सक्राइब भी जरूर कर जाओ।